शुक्र है तुम्हारी तो। क्यों बुलाते हो मुझे बार बार? तुम मेरे बगैर रह सकती हो? तुम तो रह सकते हो ना, तो रह लो। हरगिज नहीं। अक्षी, तुम्हारे बगैर भी जिंदगी कोई जिंदगी है। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आई लव यू। माहीन आ गई है ना, अब क्या मसला है? वो मेरे लिए थोड़ी आई, वो मुझे बिल्कुल नहीं चाहती, बल्कि शायद नापसंद करती है कि मेरे घर वालों से उसे बहुत प्यार है, उन्हीं के लिए लौटी है वो। हमेशा के लिए? मेरा मतलब था कि उमर, तुम्हारे लिए और माहीन के लिए मैं जितना कर सकती थी मैंने किया। तुम्हारी जिंदगी से जाने का भी फैसला कर लिया था, लेकिन तुमने मुझे जाने नहीं दिया। और फिर जब माहीन चली गई तो बगैर कुछ सोचे समझे मैंने तुम्हारे घर वालों के बारे में पता नहीं क्या कुछ कह दिया, क्योंकि मुझे अंदाजा था कि माहीन ये खुद नहीं कर सकेगी। और अब वो वापस आ गई है, पता नहीं, लेकिन अभी भी मैं वही करूंगी जो तुम कहोगे। रोशनी, बस थोड़ा सा इंतजार है। मैं इस बार अपने अब्बा से बात करके रहूंगा। तुम्हारे अबू मान लेंगे? इसके बारे में मैं बाद में सोचूंगा कि वो मानते हैं या नहीं मानते। अभी बस मुझे उनसे बात करनी है। उमर, मुझे डर लग रहा है तुम अपने वालदेन और माहीन के दबाव में आके कमजोर पड़ जाओगे। मुझे पता है ऐसा ही होगा।